हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, कल आपके एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले तो सभी को ऑल द बेस्ट। जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने सभी ने बहुत मेहनत करी हुई है, तो डेफिनेटली इसका फल भी आपको मिलेगा। बस कल कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइज, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 180 मिनट्स का है, यानी कि 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम यहाँ पर है। 180 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं अटैम्प्ट, जिसमें 100 पेपर 2 एंड 50 पेपर 1। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा बिफोर यू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम टुमारो। तो कल सुबह आपका एग्ज़ाम है 9 to 12। सबसे पहली चीज़ तो सेंटर्स में टाइम से पहुंच जाइएगा, और जो रात की नींद है उसको अच्छे से लीजिएगा, ताकि यहाँ पर कल आपको स्ट्रेस ना हो या इस तरह की कोई एंग्जाइटी ना हो। तो सबसे पहले देखो, जब भी एग्ज़ाम में आप जाते हो, एक तो सबसे पहले आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड में लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी फॉलो करके जाना है, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आती है। एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है साथ, उसमें फ़ोटो भी होगा एक, ठीक है। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, और उस आधार कार्ड में फ़ोटो के साथ आपको थंब इम्प्रेशन भी लेना है, थंब इम्प्रेशन भी देना है यहाँ पर, और साइन भी आपके होने चाहिए उसमें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वाटर बॉटल आपके पास होना चाहिए, पेन होना चाहिए, मास्क आपके पास शायद वहाँ पर भी प्रोवाइड करें आपको वो चीज़ें, बॉटल होना चाहिए, पेन, मास्क, और यहाँ पर क्या होगा, आप फिलहाल जो भी ऑर्नामेंट्स लगाते हैं ना, आप जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं आपके पास, वो लगा के ना जाएं, क्योंकि कल हो सकता है फिर आपको उतारने पड़े वो चीज़ें, है ना। तो इसलिए इस तरह कोई रिंग है, ये रिंग है, उसको अवॉइड ही करें आप, ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो। चलो, इंस्ट्रक्शन तो आपने पढ़ ही लेनी है। खैर, हमने यहाँ पर बात करनी है, खैर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपको कल एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिफोर एग्ज़ाम, पर छोटा सा वीडियो करेंगे हम, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि भाई आपको सबसे पहले क्वेश्चंस यहाँ पर रीड अच्छे से करने हैं। जितना अच्छे से आप रीड करेंगे क्वेश्चंस को, उतना सही आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। रीडिंग करने के बाद ही आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस चीज़ को, और अंडरस्टैंड करोगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सही हो जाएगा, और मैक्सिमम यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस सही यहाँ पर हो जाए। तो दूसरी चीज़, रीड करने के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अटेम्प्ट आप क्वेश्चन करोगे वो 100% यहाँ पर रहे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर 100% यहाँ पर अटेम्प्टेशन अपनी करनी है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो शायद जिसमें आपको फुली आप कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन उसमें आप गैस लगा सकते हैं, तो वो आप 100% अटेम्प्ट करिए। 150 के 150 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, और जब भी आप क्वेश्चन करें तो एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी, और टाइम का खास तौर पे ध्यान रखना। जो क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले रहा है, रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसमें अगर आप कहीं क्वेश्चन में फंस रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन में फंस रहे हैं कहीं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपने, स्किप कर दो उस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम एक क्वेश्चन पर आपने नहीं करना है जाया, ठीक है। उसको बाद में देख लेना अगर आपके पास टाइम बचता है तो। अदरवाइज यहाँ पर जितने भी ईजी क्वेश्चन हैं, जो ईजी क्वेश्चन हैं, उनको गलत करके नहीं आना है, याद रखना। इजी क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, वो आप अगर गलत कर भी देते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो सही करते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आप सही कर जाते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि फर्क इन द सेंस कि भाई हो सकता है ज्यादा डिफरेंस आप ना ले पाए, लेकिन अगर आपने उसको गलत कर दिया उस इजी क्वेश्चन को, फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए इजी क्वेश्चन भूल के भी गलत नहीं करना है आपने। तो अभी तो बोलते हैं कि भाई सर, हमने ये हमें बहुत अच्छे से आता था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? क्योंकि आपने रीड अच्छे से नहीं किया। तो तभी ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल रहेंगी आपके एग्जामिनेशन में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई आपने करी हुई है, अपने पढ़ाई पे विश्वास करो, अपने एफर्ट्स के ऊपर यहाँ पर ट्रस्ट रखना, और कल अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर करना, एंड आपका जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई हो जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को गाइज, एंड मिलते हैं आपको एनालिसिस वाले सेशन में। तो एनालिसिस का कल सेशन रहेगा आपका, वैसे टेंटेटिव टाइम उसका 3 PM है, लेकिन विल ट्राई कि भाई वो रात को 9 बजे हो जाए, ठीक है। तो अगर रात को 9 बजे भी होता है तो पता चल जाएगा आपको। पता कहाँ चलेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए यहाँ पर। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है
वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पर आपको एनालिसिस वाले सेशन का टाइम भी पता चल जाएगा, वैसे 3 PM है। तो ये होगा अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर, अनअकैडमी लाइव एन टी UGC नेट उसमें होगा। और अनअकैडमी प्लस में कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो आप अवेल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, अभी चल रहा है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो बाकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर जो भी क्वेरीज आपकी वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जी अब नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट सभी को, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके आप गए हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। बाय बाय, टेक केयर।